नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे 72 वोल्ट 4 किलोवाट ऑटो कन्वर्जन किट की। ये इलेक्ट्रिक ऑटो कन्वर्जन किट है, तो इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके आज दिखा देता हूँ। और इसके दो पार्ट बनेंगे, पहले पार्ट में सिर्फ अनबॉक्सिंग होगी और दूसरे पार्ट में इसको मैं टेबल टेस्ट करूँगा। यहीं पर टेबल पर ही आपको चला के दिखाएंगे इसको। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये कन्वर्जन किट जो है वो ऑटो के लिए है, जैसे बजाज का ऑटो हो जाता है, पैसेंजर ऑटो, उस तरह के ऑटो के लिए है। और छोटा जो ऑटो होता है, छोटा, उसके लिए मेनली है। और 72 वोल्ट 4 किलोवाट है और काफ़ी पावरफुल मोटर है। इससे आपको स्पीड भी लगभग 50 से 55 के आसपास मिल जाएगी। हालांकि वीडियो की पूरी, मतलब प्रोडक्ट की जो पूरी डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। अभी तो सिर्फ आप अनबॉक्सिंग देख लीजिए और बाकी वीडियो जो है वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। दूसरी वीडियो वो जल्द ही मिल जाएगी। चलो एक एक आइटम आपको दिखा देता हूँ। ये इग्निशन की ऑन ऑफ के लिए चार्जिंग सॉकेट, ये सिर्फ चार्जिंग सॉकेट है, इसमें डिस्चार्ज के तरह इसमें ये काम नहीं करेगा, क्योंकि 4 किलोवाट जो है वो काफ़ी पावरफुल मोटर हो जाती है 72 वोल्ट में, और उसमें ये डिस्चार्जिंग के तौर पर काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ चार्ज में ही काम करेगा, मतलब चार्जिंग के टाइम पे। ये DC-DC कन्वर्टर है, 72 वोल्ट 12 वोल्ट 20 एम्पीयर यानी कि 240 वाट आउटपुट है टोटल, और 72 वोल्ट दोनों में ही काम करता है। येलो 12 वोल्ट पॉजिटिव आउटपुट, ब्लैक कॉमन इनपुट एंड आउटपुट कॉमन, एंड रेड 72 वोल्ट पॉजिटिव इनपुट। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कन्वर्टर है, सीवाई गोल्ड ब्रांड का। इसमें हैंड थ्रोटल दिया है। ये लेफ्ट साइड की ग्रिप है, और ये इसके साथ एक स्विच भी आता है, न्यूट्रल ड्राइव रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव रिवर्स का ये स्विच है, और ये हैंडल पे ही मिल जाता है। तो रिवर्स आप एक सिर्फ स्विच ऑन करने से ही कर सकते हैं, आपको गियर वगैरह डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको एग्जिस्टिंग जो इंजन है वो आपको हटाना पड़ेगा, पूरी तरह पूरा इंजन हटेगा, और इंजन के जो भी पार्ट्स होते हैं वो गियरबॉक्स या क्लच प्लेट जो भी आप कहें वो सारे का सारा आपको हटाना पड़ेगा, और डायरेक्ट ये मोटर लग जाएगी। मोटर ये गियरबॉक्स के साथ लगेगी, इसके साथ गियरबॉक्स भी आता है, उसके साथ ये कनेक्ट होगी। और कंट्रोलर भी इसका नीचे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए एक बार साइड करते जा रहे हैं एक एक आइटम को, जो जो देख लिया। ये वाले दोनों जो है वो गियर बॉक्स और जो शाफ्ट होती है जो व्हील के साथ कनेक्टेड होती है, दोनों का आपस में जोड़ने के लिए है। इस तरफ से ये गियर बॉक्स में लगेगी और दूसरी तरफ जो शाफ्ट होती है व्हील के साथ अटैच्ड, उसमें ये कनेक्ट होगा। तो ये बिल्कुल ईजी है, इसको इंस्टॉल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप किसी भी मैकेनिक से करवा सकते हैं या फिर खुद भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं ये। और इसकी डिटेल मैंने आपको बताई दी, नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और प्राइस भी नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा आपको।
ये जो है माउंटिंग के लिए दिए गए हैं, गियरबॉक्स को स्टेबल रखने के लिए ये दोनों गियरबॉक्स पे कनेक्ट होंगे। एक बार इनको भी साइड करते हैं। ये इसकी वायरिंग है, वायरिंग आप इजीली समझ सकते हैं। इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसको देख के आप बिल्कुल आसानी से फिट कर सकते हैं अपने ऑटो में या फिर किसी दूसरे के ऑटो में जो कन्वर्जन करवाना चाहता है उसमें फिट कर सकते हैं। और जो मैनुअल है वो इंग्लिश में भी है। काफ़ी बड़ी मोटर है और वज़न भी ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, लगभग 15 किलो के आसपास वज़न है मोटर का, 14 से 15 तो कह ही सकते हैं। और ये दूसरी वायरिंग है, ये कुछ स्पोर्ट्स इको, इसमें टू स्पीड मोड मिलेंगे आपको, इसमें टू स्पीड मोड हैं स्पोर्ट्स और इको। इको मोड पे लो स्पीड मिलेगी लेकिन रेंज जो है यानी कि माइलेज वो ज़्यादा मिलेगी, और स्पोर्ट्स पे स्पीड ज़्यादा मिलेगी। ये शायद बैटरी का हो सकता है, बाकी देखेंगे जब हम टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा, ये पता नहीं। चलो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कौन सा किस चीज़ का है। मैं एक बार मोटर निकाल लेता हूँ, कंट्रोलर भी निकाल लेता हूँ और गियर बॉक्स भी निकाल लेते हैं। ये मोटर है, इधर लिखा हुआ है 72 वोल्ट 4 किलोवाट, शायद आपको वीडियो में नहीं दिख रहा हो, ये इधर मॉडल नंबर। और ये इसकी शाफ्ट है, काफी टाइट है घुमाने पर, एक दो तीन चार इसमें होल दिए गए हैं और चार इसमें ये नट लगते हैं गियरबॉक्स पर इसको लगाने के लिए। ये कुछ इसकी जानकारी दी गई है, जीटी परमानेंट मैग्नेट, ये बीएलडीसी मोटर है, रेटेड वोल्टेज 72 वोल्ट, रेटेड करंट 69 एम्पियर, इंसुलेशन क्लास बी, प्रोटेक्शन क्लास IP54, मतलब पानी वगैरह इस पर गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखें। पावर ऑफ मोटर 4 किलोवाट, इसकी कंटिन्यूस पावर जो है वो 4 किलोवाट है और पीक पावर जो है वो लगभग 8 से 8.5 किलोवाट के आसपास बनेगी। चलो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। स्पीड ऑफ मोटर 4500 RPM पे ये वर्क करती है और ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है। मोटर का वेट लगभग 14 से 15 केजी मुझे लग रहा है। और ये इसके मोटर फेज वायर हैं, काफ़ी हैवी वायर दिए हैं और मोटर प्योर कॉपर वाइंडिंग में है। ये इसकी माउंटिंग के लिए प्लेट दी है, इधर कंट्रोलर है, LED फॉल्ट इंडिकेशन, कंटिन्यूस फ्लैशिंग ट्रबल फ्री, अगर ये जो लाइट है वो कंटिन्यूस फ्लैश कर रही है, रेड कलर की दिख रही होगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोलर आपका सही है। और इनमें से कोई भी इस तरह से फ्लैश होती है जैसे 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5 टाइम, तो उसके सामने उसका
फोल्डर लिखा हुआ है, जो भी फॉल्ट होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ दी गई है इसमें, ये किसी नॉर्मल कंट्रोलर में आपको शायद ही मिलेगी। ये चेतावनी दी गई है, ये आप पढ़ लीजिए। इसकी वायरिंग है, प्रत्येक वायर पे लिखा हुआ है कि वो किस चीज़ के लिए है वायर, तो वायरिंग में आपको दिक्कत नहीं आने की। और ये तो हॉल सेंसर वाले हैं, ये तो सबको ही पता है, काफ़ी बड़ा कंट्रोलर है और हैवी है, लगभग 3-3.5 किलो के आसपास होगा। ये कुछ जानकारी लिखी हुई है, GT मोटर ऑफ वेक्टर कंट्रोलर। ये कंट्रोलर वेक्टर है, वेक्टर कंट्रोलर, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वेक्टर कंट्रोलर है। टाइप GT18G, वोल्टेज 72 वोल्ट, पावर 4000 वाट, 4 किलोवाट, फंक्शन रिवर्स, और करंट 120 एम्पियर पीक करंट है। अंडर वोल्टेज 60 वोल्ट है, और ब्रेक जो है वो हाई लेवल ब्रेक है। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया गया है ताकि ये ठंडा रहे। इसका गियरबॉक्स और दिखा देता हूँ मैं आपको, जो इसके साथ गियरबॉक्स आता है। ये इसका गियरबॉक्स है, और 1, 2, 3, 4 चार नट लगेंगे, नट बोल्ट, और इस तरफ मोटर माउंट हो जाएगी। ये ढक्कन को निकाल के मोटर माउंट कर लेनी है। ये इसका गियरबॉक्स है, और इसमें ऑयल डाला जाता है ताकि इसके जो गियर होते हैं वो लंबे समय तक अच्छे से काम कर पाएं। ये इसका ढक्कन निकल जाएगा, निकल गया। और इसमें जो मैंने आपको दिखाया था वो इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। ये कनेक्टर जो है वो दोनों तरफ लगते हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो ये इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। ये और अंदर तक जाता है इसमें, और उसके बाद आप इसको ध्यान से देखना, ये घूमेगा। इधर आप देखना एक बार, ये इसमें अच्छे से कनेक्ट हो जाता है, ये पूरा अंदर तक जाएगा इसमें, और उसके बाद ये लॉक भी हो जाएगा। ये लॉक दिया गया इसमें, शायद आपको दिख रहा हो। मैं गियरबॉक्स एक बार दोबारा अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। दोनों तरफ ये कनेक्टर लग जाएंगे, और इस तरफ मोटर कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, शायद गियर रेशियो आपको दिख रहा होगा, 6.235:1, और इसमें ऑयल डलता है। अब
काफ़ी भारी गियर बॉक्स है, वजन है इस गियर बॉक्स में। ये माउंटिंग के लिए दिए गए हैं और दूसरी तरफ भी दिए गए हैं, तो यह आप इजीली माउंट कर सकते हैं, आप इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसमें दो मॉडल आते हैं वैसे, 3 किलोवाट और 4 किलोवाट, लेकिन इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है वो दोनों का एक ही है। अभी जितना भी सामान आता है मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, इस किट में जो जो आता है एक बार देख लीजिएगा आप। इसमें जो जो आता है एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। ये दो वायरिंग सेट हैं, मोटर है, गियरबॉक्स है, कनेक्टर हैं जो पहियों के साथ शाफ्ट कनेक्टेड होती है उसमें, ये एक तरफ ये कनेक्ट होंगे और दूसरी तरफ इस गियरबॉक्स में कनेक्ट होंगे जो मैंने आपको दिखाया था कनेक्ट करके इधर और उधर। ये कन्वर्टर है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, लाइट इंडिकेटर, हॉर्न, इन सब के लिए 240 वाट 240 वाट का। इग्निशन की ये बोल्ट दिए गए हैं, चार्जिंग सॉकेट, ओनली चार्जिंग नॉट फॉर डिस्चार्जिंग। ये माउंटिंग के लिए ये कनेक्ट होंगे, इस गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट होंगे। ये थ्रोटल है एनडीआर स्विच के साथ, न्यूट्रल ड्राइव रिवर्स। तो आपने किट देख लिया, इस किट में ये सब सामान आता है। प्राइस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं चला के भी दिखाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।